तरीके से कहावत सुनी आपने, हाथी चलती कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो ये इस तरीके की एक हरकत विपक्ष की है, हम इसको नोटिस में ही नहीं लेते हैं। इस तरीके को इस बार जिताए दा या फिर अर्थी पे लिटाए दा, ये किसी का बयान नहीं है बल्कि कटेरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के पोस्टर में लिखा था, जिसके बाद से ही भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद मजाक के पात्र बन गए। इस खबर के वायरल होने के तुरंत बाद ही भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद का बयान आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये विपक्ष की साजिश है। भाजपा जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि ये विपक्ष की साजिश है, विपक्ष कहीं ना कहीं हार का सामना कर रहा है, इसीलिए ऐसे बेतुके काम से भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। आगे वीडियो में आप खुद ही सुन सकते हैं। मुझे भी कल एक अपने व्हाट्सएप पे मेरे किसी कार्यकर्ता ने एक होर्डिंग भेजा जिसपे लिखा था या तो जिताए दिया या तो टिकटी पे लिटाए दिया, और उसमें धर्मराज जी की फोटो लगी थी, कमल के चुनाव चिन्ह बना हुआ था। तो मैंने, वैसे तो ये संभव नहीं था कि हमारे यहाँ से कोई होर्डिंग लगाता, लेकिन फिर भी मैंने इसकी पूरी तहकीकात की। मैंने प्रत्याशी से पूछा, प्रत्याशी के पुत्र से पूछा, अन्य लोगों से पूछा, पार्टी से तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उन लोगों ने भी सिरे से इसको नकार दिया। तो निश्चित तौर से मूल्यों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, मूल्यों की गिरावट की बात हम नहीं करते, लेकिन हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, साजिश और इस तरीके के हथकंडे अपनाना, ये उनकी राजनीति का तरीका है। अभी आपने देखा होगा कि एक होटल में एक जिलाध्यक्ष ने अपने एक कार्यकर्ता को गालियाँ दी, वो किस पार्टी के लोग हैं। अभी आपने देखा होगा उस पार्टी के बड़े नेता ने निषाद और राजभर समाज को तुच्छ कहा, ये किस पार्टी के लोग हैं। इस प्रकार के अनेकों हथकंडे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूंजीवाद के दम पर, अर्थ के दम पर रिझाने लुभाने का काम कौन कर रहा है। हार की हताशा में पूरी तरीके से जनता चुनाव लड़ रही, धर्मराज जी का आंधी चल रही है धर्मराज जी के नाम की, वास्तविक पिछड़ा चेहरा देने के कारण, अत्यंत सहज सरल होने के कारण, मोदी और योगी जी के नेतृत्व में जनता के विश्वास के कारण विपक्ष को ये दिखाई पड़ रहा है कि उनकी सारी नीतियां, सारे हथकंडे फेल हो रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके के दांव पेच कर रहे हैं। यह विपक्ष की साजिश है। हमारे प्रत्याशी ने, हमारा प्रत्याशी तो केवल विनम्रता के आधार पर वोट मांग रहा है, हम तो बहुत प्रचार सामग्री पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमारी जनता खुद अपने लिए वोट मांग रही है। होर्डिंग पोस्टर लगाने की जो आवश्यकता पड़ रही है पक्ष में या विपक्ष में, साजिश के तहत ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं पूरी तरीके से, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी का नहीं बल्कि विपक्ष की साजिश का पोस्टर है। चूंकि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है इसलिए मैं सीधे नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन निश्चित तौर से ये विपक्ष की साजिश है, जिससे कि वो दिखा सके कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। त्र्यंबक जी, देखिए, जब चुनाव नजदीक है और हम लोग एक तरफा चुनाव में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से कहावत सुनिए आपने, हाथी चलती कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो ये इस तरीके की एक हरकत विपक्ष की है, हम इसको नोटिस में ही नहीं लेते हैं। इस तरीके के उनके हथकंडे जनता स्वयं नकार देगी, हमें कुछ करने की आवश्यकता नजर नहीं आती। विचारों की स्वतंत्रता सबको है, इसलिए बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जब बोलने के लिए विषय नहीं होते हैं, जब विकास के मुद्दे नहीं होते हैं, जब गरीबों के लिए किए गए काम नहीं होते हैं, जब राष्ट्रीयता की बात नहीं होती है, जब कोई विजन नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ बोलने को चाहिए, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। वास्तविकता यह है कि पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन के शिकार है विपक्ष के लोग। धर्मराज जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, योगी जी और मोदी जी के नाम की जो आंधी चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के आगे इसमें विपक्ष के सारे प्रत्याशी अपने आप को धराशायी मान रहे हैं। उनकी सारी नीतियां, जातिवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, सब राष्ट्रवाद के आगे फेल हो गए हैं, इसलिए हताशा में आकर के इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। क्या धर्मराज इसे बीजेपी की कोई बात हुई है क्या इस पोस्टर को लेकर के? नहीं, मैं अध्यक्ष होने के नाते मैंने स्वयं बात किया, और बात करने के बाद मैं अधिकृत रूप से बयान दे रहा हूं, क्योंकि मैं बाकी विपक्ष के नेताओं की तरह अनर्गल बयान देने पर विश्वास नहीं रखता।